मौसम मौसम इज ऑसम, बहुत वधिया मौसम होया पे। हुणे हुणे मीह पै के हटिया, मीह पिया ते मैं कढ के लै आई, मैं कह सब बनाने पकौड़े बनाने, ते बड़ा सीगा। मैं अजान नूं भी पुछा पकौड़े खाओगे, कहिंदा खा लांगे, ते मेरे बनाण तो पहले ही रुक गया जे, देख लो भला हुण मीह कोई नहीं हैगा, ते मौसम हुण चंगा। मैं बाहर ही बैठी हाँ, मैं लियाई सी आलू जड़े ने पकौड़े बनाण नूं, ते मैं इहनूं कट भी लिया, मैं क्या पतले पतले कट लाँगी, छिले ही सन अजे ते कटदी पई सां, ते फिर मेरा हुण मन कुछ होर हो गया, हुण नहीं मेरा जी कर रहा पकौड़े बनाण नूं। ते ये बेबी पोटैटो होंदे ने, इहनां नूं ना जिहड़े वड्डे ने उहनां नूं विच्चों कट लो। ते एक ना मैनू याद आ गया भी 5-star 7-star होटल्स विच जदों जाओ ना, ते ऐ आलू बने होंदे जे गल पे करदे ने 5-star दी ते 7-star दी, सच्ची मुच्ची आलू बने हुए है ना, हांडी दे विच आलू बने हुए, ते बने हुए केड़े उहनू कहिंदे ने बेबी पोटैटो ही कहिंदे ने, पर जिहड़े उत्थे वेटर होंदे ने उह कहिंदे ये बंटा आलू ने। चलो जी, मैं भी सोचा, ख्याल आ गया, मैं क्या फिर बंटा आलू असीं भी बना लैंदे आ, पहले तो सोचा सी कढ़ाई च बनाने आ, हुण बनावांगे असीं इहनू हांडी विच। आओ फिर चलते हैं। आलू देख लो असीं छिले आ, हांडी मैं धर दित्ती है, हुण फैसला मैनू ये करना वे, अज ते फैसले ही औखे होए ने, फैसला ये करना है भी घ्यो च बनानी है कि तेल विच। घ्यो च बनाने, इहदे विच ना स्कूल वालियां घंटियां वजदियां रहिंदियां ने। अच्छा जी, एक घ्यो नूं ना तेज़ गर्म कर लो। ऐ जी असीं इहदे विच ना आलू पा देने ने, लो मैं कट्टे बथेरे जे, फिर भी रह गया जे, आ देख लो इहनूं हाफ कर लो, मतलब उही जिहा होना चाहिए, बंटे वर्गा ही होना चाहिए, ते इहनूं असीं चंगी तरह फ्राई कर लैणा जी। ये आलू जड़े बेबी पोटैटो जिन्हां नूं कहिंदे ना, बड़े दिलचस्प तरीके नाल बना रही हाँ। तो ये हैगा जे मेरा लसन ते अदरक दा पेस्ट, हुण असीं पहला ना इहदे विच ये पा देना है, ते इहनूं इहदे नाल असीं आलूआं नूं थोड़ा जिहा ढक के जिहड़ा है पकावांगे, विच्चे ही उह पक जाणगे, विच्चे ही आलू। असीं इहनूं सिर्फ लसन ते अदरक दा पेस्ट पाया, प्याज कोई नहीं पाए हैगे, ते ना ही असीं पाने ने। इहदे च असीं नमक, हल्दी ते लाल मिर्च, अज मैं पाउडर वाली पा रही हाँ, इस सब्जी नूं असीं लाल बनाना है, ते गरम मसाला ये पा के ही बनावांगे, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं कुछ नहीं, पर ये सब्जी बनेगी बहुत लाजवाब। लसन अदरक मसाले सारे बड़े अच्छे तैयार हो गए ने, इहदे विच हुण असीं टमाटर दी प्यूरी बनाई हुई है, ते उह थोड़ी थोड़ी पाई देवांगे ते पकाई देवांगे। देखो जी, टमाटर असीं हौले हौले करके पाई जाने हैं, दो दो चम्मच, मैं ले सी 4 मीडियम टमाटर, ते अद्धा किलो ने साढ़े आलू, ते लसन ते अदरक एक टुकड़ा अदरक दा, ते 5-6 कलियां लसन दियां। ते इस सब्जी ने जदों बाकी सब्जियां दा नाल रखना है ना, तुसी जे किसी आएगे नूं भी बनाओगे तां उंगलियां चट जाणगे, ते इहदे नाल सब कुछ स्वाद लगदा, पूड़ियां भी, चावल भी, तंदूरी रोटी, तवे दी रोटी, पानी हत्थ रोटी, जिहड़ी मर्जी बनाओ। लो जी, टमाटर भी गए ने सुड़ पहला पता की कहिंदे हुंदे सी, सब्जी जरा कुछ सोड़ लै खा, ते इक जिहड़े लोग बोलदे ने ना चाई, ते ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸੋੜ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸੁੜ ਗਏ ਆਲੂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਗਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਆਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿਆਰ, ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਓ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਆਲੂ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਸਿਆ ਜੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਿੱਸ ਪਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਸ ਜਾਵੇ ਆਲੂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
इन्हें थोड़ा बहुत फायदा ही करना, तरी नूं गाढ़ा कर देना। तरी आपां नूं इन्नी चाहिए है, जिन्हों तुसीं करी कहिंदे हो, ग्रेवी कहिंदे हो, मैं तरी कहिंदी हाँ। अच्छा हुण जे सर्व करन दा, सर्व इहनूं ना कदी भी डूंगे भांडे विच नहीं करना, सानूं जिहड़े बंटे है ना ये नज़र आने चाहिए ने, फिर ये सब्जी लगती है वधिया। देखो मैं इस प्लेट दे विच सर्व किया, इहदे विच असीं पा देंगे उत्तों की धनिया थोड़ा जिहा, ते क्या बात है, क्या बात है, इहदी साडे नाल पहली मुलाकात है। तुसीं रोज़ करो ते बनाओ ये बंटियां वाली सब्जी, कदी भी किसे वेले भी।